फिरोजाबाद में छापेमारी कर एक अवैध असलहा बनाने की बड़ी फैक्ट्री का खुलासा किया गया। मौके से 15 अदद पूर्ण निर्मित 315 बोर के और 23 अदद आंशिक निर्मित असलहे बरामद किए गए। साथ ही भारी मात्रा में यांत्रिक उपकरण यथा भट्टी, कटर, ड्रिल मशीन, बेंच वॉइस, छेनी, हथौड़ी, रेती, पाइप इत्यादि मौके से बरामद किया गया। पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में जो तथ्य सामने आए उस पर अग्रेतर कार्य करने हेतु एक विशेष टीम लगा दी गई है। की थाना दक्षिण इकाई ने और क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसलिए तीसरी बार पिछले 3-4 महीनों में तीसरी बार असलहे की एक बड़ी फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और इसमें एक अभियुक्त को मौके से कल रात करीब 11:30 बजे खेत से इसको गिरफ्तार किया गया। इसने कुछ अपने साथियों के नाम बताए हैं, कुछ वो नाम बताए हैं जिसको ये सप्लाई करता है। वो एटा, आगरा और आसपास के जिलों के रहने वाले हैं। उनके बारे में डिटेल में जानकारी की जा रही है। ये बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 23 की संख्या में अधबने तमंचे भी हमने बरामद किए हैं। साथ ही में भट्टी है, रेती है, बेंच वाइस है और कुछ पाइप्स हैं जिसका इस्तेमाल और तमंचों को बनाने में इसके द्वारा किया जाता। इस सराहनीय कार्य पर इनको मेरे द्वारा 5,000 का नकद इनाम दिया जा रहा है और आईजी रेंज आगरा महोदय से 12,000 रुपये के इनाम के लिए लिखा जाए। इसने पूछताछ में बताया कि करीब 6-7 साल पहले भी ये असलहा बनाने के काम करने के इसमें पकड़ा गया था और 2 बार ही जेल जा चुका। उसके बाद इसने गैप रखा था 7-8 साल का। फिर क्योंकि नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं तो अपने गड़बड़ी फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए असलहों की डिमांड बढ़ी है। उस डिमांड के मद्देनज़र इसने लाभ कमाने के लिए ये काम पुनः शुरू कर दिया और आज फिरोजाबाद पुलिस के पकड़ में आ गया। इसने मुखबिर से सूचना मिली थी और उस पर कार्यवाही तत्परता से करते हुए हमारी टीम ने इस शातिर खतरनाक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। We'll be right back.